अशोकनगर जिले के मुंगावली बीएमओ कार्यालय के अंतर्गत किस कदर भ्रष्टाचार दीमक की तरह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, इसका खुलासा बीएमओ कार्यालय बहादुरपुर के एएनएम गायत्री अहिरवार के स्टिंग ऑपरेशन में देखने को मिला, जिसमें खुलेआम प्रसूता के पति से सहायता राशि दिलाने के दस्तावेज तैयार करने के एवज में पैसों की मांग करते दिख रही हैं। वहीं इससे पहले जरोली बुजुर्ग निवासी प्रसूता रानी के नंबर पर कॉल किया तो उनके पति से बात हुई, जिसमें न केवल उनसे पैसों की मांग की गई बल्कि हॉस्पिटल में पदस्थ बाबू तक पर 2000 रुपए मांगने तक की बात की गई। वहीं जब प्रसूता के पति ने इनसे कहा कि आपको सरकार वेतन देती है तो उसके द्वारा कहा गया कि ये पैसे हैं फ्री के हैं, आपने जमा नहीं किए, सभी को फ्री के पैसों की उम्मीद रहती है, जिस पर प्रसूता के पति ने स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की बात की तो पति से कहा गया कि आप नेतागिरी कर लें और मंत्री और नहीं प्रधानमंत्री तक से बात कर आइए, वहीं इसके बाद फोन काट दिया गया। आपको बता दें कि जब इस मामले में एएनएम से बात की गई तो इसके आंखों के आंसू आ गए और मुंह से कोई शब्द नहीं बोल पाई। वहीं बीएमओ के द्वारा कहा गया कि जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब देखने लायक वाली बात यह है कि जहां एक और सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारी अधिकारी की आंखों में गरीबों के पैसों की लूट मची रहती है तो क्या स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की नींद इस खबर के बाद खुलेगी और शासन द्वारा गरीबों को दी जा रही सहायता राशि पर नजरें डाल रहे लोगों को रोका जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी, यह भी देखने लायक बात होगी। जांच तो कोई नहीं चल रही, जांच वगैरह सही है? हाँ। जैसे और कुछ तो नहीं भरना है इसमें? फोटोकॉपी लगेगी। प्रमाणीकरण चाहिए लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। क्यों? फिर बनवा ले जाना और का भी। नहीं तो अभी बना दो आप। मिठाई खाना आप मिठाई की बता दो आपको। अभी फ्री कर जाओ और साहब का बार बार का रट्टा खत्म। ये कई बार फ्री कर जाओ बार बार का रट्टा खत्म करो। नहीं तो बार बार का रट्टा नहीं कर रहा ना आप। क्यों मैडम? बना दो प्रमाण जाना, बना दो, बन जाए। अपन कोई मतलब बहस ही नहीं है, अपन सब एक ही तो है। एक तो है जी, तो मान रहा है। अब ऐसे ऐसे बोलेंगे सब तो फिर क्या होगा जी, बताओ आप। हैं ऐसी वो संजी बोल रहा है, राजी बोल रहे थे, ऐसे वे बोल रहे थे, बताओ यार कहाँ था हमारी भी तो सोचो थोड़ी बहुत, हम भी आप ही लोगों से हम हैं अभी है। अरे तो का नहीं सोचे जी, अरे तुम्हारी का नहीं सोचेंगे, सोचेंगे तुम्हारी। आप लोगों से हम जुड़े, हमको ना लग से है थोड़ा बहुत, हमारा भी सोच लिया करो तो चलो। अरे नहीं हम तो ऐसा नहीं है, हम तो आप बिल्कुल सोचेंगे आप सबकी। हम 1000-2000 तो कह ही गए आपसे। छतरी हिलाया आज थोड़ी। आंगनबाड़ी केंद्र की एएनएम जो गायत्री अहिरवार, तो उसके द्वारा जब मैं प्रमाणीकरण बनवाने गया था तो उसने मेरे से पैसे मांगे, और इसके बाद जो फोन पर उसके मतलब जो पति हैं उन्होंने भी पैसे मांगे कि आपको पैसे देना पड़ेगा जब प्रमाणीकरण बनेगा, और जब ये आपके पैसे डलेंगे और आप पैसे नहीं दोगे तो नहीं बनेगा। इसके बाद फिर उनके जो एएनएम हैं उन्होंने घर पर बुलाया, और घर पर बुलाया तो घर पर भी उन्होंने पैसे कहा कि अगर तक पैसे नहीं दोगे अब तक आपके पैसे नहीं डलेंगे, कि आपको पैसे मिलना है जो आपके जमा के हैं वो तो आपकी सरकार फ्री में दे रही है, तो जब तक आप पैसे नहीं दोगे हमें, और आप यदि 2000 रुपये के दे भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा, आपके कौन जमा है उसमें। हितग्राहियों से पैसों की मांग की जा रही है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है आपका इस बारे में? भैया प्रसूता के मामले में अगर किसी एएनएम ने पैसे मांगे हैं तो कौन सी एएनएम है, क्या नाम है उसका? ये गायत्री अहिरवार है, जारोली बुजुर्ग सर्कल में ये काम करते हैं। अगर किसी तरह का पैसा मांगा गया उसको तुरंत जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।